हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंडियन बेफैंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूं एक लेजेंडरी बेब्लेड जो है वैरियरिस डीडी। डीडी स्टैंड्स फॉर डेल्टा ड्राइव। दोस्तों, इस बेब्लेड को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये किंग का बेब्लेड है। ये एक बहुत ही फेमस बेब्लेड है। जो इस बेब्लेड को हम लोगों ने देखा था बेब्लेड मेटल फ्यूरी में। इस बेब्लेड को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। ये रैपिडिटी का एक फेक बे है, ये टकाटोमी का ओरिजिनल बे नहीं है। तो फिर देरी ना करते हुए चलिए पहले इसे ओपन करते हैं, फिर रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ये सभी पार्ट्स इस पैक के अंदर थे। ये तो है एक बेसिक सा लॉन्चर, आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, पहले ही बता दूं, मुझे देखकर लग रहा है ये एक यूज्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी पहले से स्टिकर लगाया हुआ है। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा स्टिकर भी नहीं आया हुआ है, इस पर भी स्टिकर लगाया हुआ है। और ये डेल्टा ड्राइव का टिप देखकर भी मुझे थोड़ा सा घिसा हुआ लग रहा है, यानी ये पहले किसी ने यूज़ किया था, वो शायद फ्लिपकार्ट को वो वापस कर दिया होगा और फिर फ्लिपकार्ट के उस कंपनी ने हम लोगों को भेजा होगा। दोस्तों, अगर मेरे व्यूअर्स में ये किसी का बेब्लेड था तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर देखते हैं कैसा क्या आया हुआ है। ये तो है एक बेसिक सा लॉन्चर, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा घिसा हुआ है। ये तो है रिपकॉर्ड, इसे मैं अब साइड पर रख देता हूँ। कोई स्टिकर तो इसके साथ नहीं आया हुआ है। ये है वैरियरिस का फेस बोल्ट, ये ब्लैक कलर का है, स्टिकर तो पहले से ही लगाया हुआ है। दोस्तों, इसका कोई क्लियर व्हील एक्स्ट्रा नहीं होता है, इसका होता है जो फ्यूशन व्हील वही एक ही होता है। ये तो है वैरियरिस का फ्यूशन व्हील, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फ्यूशन व्हील है। ये काफ़ी हेवी भी है, ये तो मुझे लगता है बाकी फ्यूशन व्हील से ज़्यादा हेवी है, क्योंकि इसके फ्यूशन व्हील के अंदर ये रेड वाला जो आप प्लास्टिक पार्ट देख रहे हैं ये भी काफ़ी हेवी है, और ये मेटल वाला पार्ट तो हेवी है ही। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं स्टिकर लगाया हुआ है, यानी मैं सही हूँ, ये पहले किसी ने यूज़ किया हुआ होगा। दोस्तों, इसका जो मेन पार्ट है वो इसका ये फ्यूशन व्हील है और परफॉर्मेंस टिप है। आप लोग देख सकते हैं ये अंदर जाता है, ये जो येलो पार्ट होता है ना, ये जो शार्प एज है ये अंदर जा सकता है। यहाँ पर अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। एक्चुअली में जब वैरियरिस को लॉन्च करते हैं तो फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आरपीएम में ये घूमता है, इसलिए ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट होता है ये अंदर चला जाता है। तब उस मोड को अटैक मोड बोलते हैं। तब ये जो येलो वाला पार्ट है ये इसको आप लोग देख नहीं पाते हैं। जब स्पीड धीरे धीरे स्लो होता है तो ये अपने आप ही निकल आता है, तब इसे हम लोग देख सकते हैं, वो होता है डिफेंस मोड। हालांकि ये शॉक एब्जॉर्बर के तरह भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी बेब्लेट अगर टकराए तो वो देख सकते हैं एक स्प्रिंग की तरह यूज़ होता है, तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। काफ़ी सुंदर है। दोस्तों, ये है डेल्टा ड्राइव, ये एक बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस टिप है। ये जो मोड आप लोग देख रहे हैं ये है डिफेंस मोड, ये जो राउंड बॉल जैसा दिखने में है ये डिफेंस मोड वाला है। अगर इसको मैं खींचूं और इस तरह से घुमाऊं तो फिर ये जो फ्लैट मोड है ये होता है अटैक के लिए, और इसको फिर से अगर खींचूं और फिर से घुमाऊं तो फिर ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा
शार्प है, ये है इसका स्टैमिना मोड। स्टैमिना मोड तो गलत होगा, स्टैमिना टिप कहना बेहतर होगा, स्टैमिना टिप। तो फिर ये तो एक बहुत ही खास एक परफॉर्मेंस टिप है, क्योंकि इसमें तीन टिप एक साथ, तीन टिप होता है, आप किसी भी टिप को चेंज करके बेबलेट को लॉन्च कर सकते हैं। एक्चुअली में ये वेरी एडिस एक डिफेंस टाइप बे है। इसके साथ तो ये एक एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा दो पार्ट आया है, ये मेटल टिप है और ये भी एक पार्ट आया हुआ है, और ये तो एक की है। चलिए अब हर एक पार्ट को जोड़ते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है इसका। वेरियरिस के हर एक पार्ट को मैंने जोड़ लिया हुआ है। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बे है, लेजेंडरी बे है, स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। टका एटोमी के ना होने के बावजूद भी ये दिखने में तो अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी है। चलिए अब देखते हैं ये परफॉर्म कैसे करता है। मैं इसको, इसका जो टिप यूज़ कर रहा हूँ ये है स्टैमिना टिप। घूम तो काफ़ी अच्छा रहा है। आप लोग देख रहे हैं टोटल इसका ऊपरी भाग भी मेटल का ही है, इसलिए दिखने में तो लग रहा है ये टोटल ही मेटल का है। वो प्लास्टिक येलो वाला पार्ट अब थोड़ा सा दिख रहा है येलो। जब पहले लॉन्च किया जाता है तो वो बहुत ही तेज़ घूमता है, इसलिए अंदर चला जाता है। स्टैमिना भी ठीक ठाक है, अगर और अच्छे से लॉन्च किया जाए तो, और लॉन्चर भी अगर और अच्छा हो तो ये काफ़ी अच्छी तरह घूमेगा। मुझे तो ये बेबलेट बहुत ही पसंद आया है। बैटल वीडियो आएगा तो पता चलेगा ये कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो देखकर लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये यूज्ड प्रोडक्ट है, लेकिन इसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल नहीं है। मैं अगर चेंज करने जाऊँ तो रिफ़ंड का ऑप्शन दिखाएगा डायरेक्ट। मैं तो इसे रखने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह का बैटल वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।